भाइयों और बहनों, काशी को नए भारत की नई ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की तरफ आज एक और पड़ाव पार करने के में हम सफल हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही एक ऐसे इंजन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मुझे मिला है जो पहले डीजल से चलता था, अब वही इंजन बिजली से चला करेगा। यही नहीं, नए इंजन की ताकत भी दो पुराने डीजल इंजनों की ताकत से भी ज्यादा होगी, मतलब डबल हो जाएगी। और ये काम डीएलडब्ल्यू में पहली बार हुआ है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है। साथियों, मेक इन इंडिया के तहत किए गए इस काम ने एक बार फिर दुनिया में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाया है। इस प्रयोग के सफल हो जाने के बाद भारतीय रेलवे को और सशक्त बनाने, क्षमता और रफ्तार बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं डिजाइन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक से जुड़ी हर व्यक्ति, पूरी टीम के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह महत्वपूर्ण काम मेरी काशी की धरती पर हुआ है, आपके बीच में हुआ है। साथियों, भारतीय रेल की सूरत और सीरत बदलने वाले अनेक कदम बीते 4.5 वर्ष में उठाए गए। दिल्ली से काशी के बीच चल रही देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। इस ट्रेन को लेकर अनेक चिट्ठियां मेरे पास आई है। देश के लोगों में एक उत्साह है, गौरव का भाव है कि इतने दशकों बाद ही सही भारत को एक विश्व स्तरीय ट्रेन मिली है। लेकिन इस ट्रेन को कुछ लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। मुझे जो चिट्ठियां मिल रही हैं, उसमें लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। इसे देश के हर इंजीनियर का, हर टेक्नीशियन का अपमान बता रहे हैं। भारत का मजाक उड़ाने की मानसिकता से घिरे ऐसे लोगों से देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के हर नौजवान को सतर्क रहना आवश्यक है। काशी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, ये वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले इंजीनियरों के लिए हमें गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है क्या? टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित है क्या? दिन रात देश के लिए काम करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना उचित है क्या? क्या ऐसी मजाक उड़ाने वालों को माफ किया जा सकता है? सही समय पर सही सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसे दौर में
जब आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश में कुछ नया करने के लिए जी जान से जुटे हैं, उस समय मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता से घिरे इन लोगों की इन हरकतों से निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, हर कर्मचारी से भी कहूंगा कि भारत को आप सभी पर बहुत गर्व है। मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आप जैसे इंजीनियर प्रोफेशनल्स ही कल भारत में बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे और सफलतापूर्वक चलाएंगे भी।